झारखंड के युवाओं के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई। तो देखिए खबर क्या है, झारखंड में बहाल होंगे 26,000 पारा शिक्षक। तो यहाँ पर 26,000 पारा शिक्षक की बहाली की जाएगी झारखंड में, और ये जो बहाली है वो पंचायत स्तर पे की जाएगी। मतलब कि पंचायत में जितने भी स्कूल है उन सभी स्कूलों में पंचायत के ही युवा को इसके लिए चयन किया जाएगा, इसमें भरा जाएगा। तो देखिए पूरी खबर क्या है, पूरी खबर मैं आपको यहाँ पर पढ़ के सुनाता हूँ, जिससे आपको इसके बारे में सारी जानकारी लग जाएगी कि ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, इसमें क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और झारखंड का अपडेट पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में फिर से पारा शिक्षकों सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होगी। पहले चरण में 25,996 पदों पर नियुक्ति की जा सकेगी। नियुक्ति विद्यालय प्रबंधन समिति या पंचायत करेगी। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बताया था कि नियुक्ति जो है वो आपका विद्यालय प्रबंधन समिति, जो स्कूल का एक समिति होता है, वो करेगी या पंचायत करेगी। और इसमें आरक्षण रोस्टर का भी पालन किया जाएगा, इसमें आरक्षण रोस्टर का भी पालन हो सकेगा। सहायक आचार्यों की अस्थायी नियुक्ति होने के बाद इन पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने की बात कही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति दिल्ली व गोवा के तर्ज पर होगी। इसमें प्रशिक्षित और टेट पास अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा। उन्हें वर्तमान में कार्यरत सहायक अध्यापकों पारा शिक्षकों के समान 22,500 का मानदेय दिया जाएगा। तो जो मंथली आप लोगों का सैलरी होने वाला है वो 22,500 रुपया दिया जाएगा। इसको लेकर वे सोमवार को स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द कैसे हो इसका प्रस्ताव तैयार किया जा सकेगा, ताकि स्कूली बच्चों का पठन पाठन शिक्षकों के अभाव में प्रभावित न हो। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि झारखंड नियुक्ति नियमावली रद्द हो गई है, अब हम इसके खिलाफ डबल बेंच में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाएं, शिक्षक की नियुक्ति में देरी होगी। ऐसे में स्कूलों को बिना शिक्षकों के रखना छात्रों के हित में नहीं है, इससे हमारे नौनिहालों के भविष्य में खतरा है। इसलिए शिक्षक की नियुक्ति के अड़चनों को देखते हुए अधिकारियों के साथ बातचीत कर पारा शिक्षक नियुक्ति का रास्ता निकाला जाएगा। तो देखिए पारा शिक्षक का यहाँ पर नियुक्ति का रास्ता निकाला जाएगा, मतलब पारा शिक्षक का बहाली बहुत जल्द आने वाला है। और इसके ऊपर में जो थोड़ा थोड़ा करके हेडलाइन दिया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट खबर है वो भी देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है, ये चीज़ मैं भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ से अगर आप लोगों को कुछ जानकारी मिल जाए तो और अच्छी बात है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, पंचायत या विद्यालय प्रबंधन समिति करेगी नियुक्ति। तो यहाँ पर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि पारा शिक्षकों की नियुक्ति 2012 के बाद से बंद है। पहले की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया था, अब की नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। पंचायत या विद्यालय प्रबंधन समिति नियुक्ति करेगी। स्कूल या पंचायत स्तर पर जितनी सीट होगी उसी आधार पर नियुक्ति होगी। तो स्कूल या पंचायत स्तर पर जितना भी सीट होगा उसी के आधार पर यहाँ पर नियुक्ति किया जाएगा। मान लीजिए कि एक पंचायत में 20 सीट है, तो इसी के आधार पर आपका नियुक्ति किया जाएगा। तो आगे का खबर क्या है वो भी देख लेते हैं। तो आगे में क्या लिखा हुआ है, जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो वहाँ के छात्र कैसे पढ़ेंगे। शिक्षक नियुक्ति नियमावली कोर्ट से रद्द हो गई है, डबल बेंच जाए या सुप्रीम कोर्ट, नियुक्ति और देरी होगी, इसलिए पारा शिक्षक की बहाली होगी। तो यहाँ पर नियुक्ति में जो अभी रद्द कर दिया गया है, नियुक्ति नियमावली को रद्द करने के बाद यह फैसला लिया गया है कि 26,000 पारा शिक्षकों का पंचायत स्तर पे नियुक्ति किया जाएगा। अगर आप भी इस वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर ले। अगर आपको यह खबर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले, और अपडेट पाने के लिए जैसे ही यह वैकेंसी आ जाएगी उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो पर किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।